हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से एक बैड न्यूज़ भी है और एक गुड न्यूज़ भी है। जैसा कि थंबनेल पे आप देख चुके होंगे कि नो ट्री नो डिग्री, आखिर ये मामला है क्या? क्योंकि ये न्यूज़ काफ़ी एक से दो दिन तक काफ़ी वायरल है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ऐसा क्या फैसला लिया है कि पेड़ नहीं तो डिग्री नहीं मिलेगी। पूरी इस खबर की हम पड़ताल करेंगे और ये क्या न्यूज़ है, किनके लिए न्यूज़ होने वाली है, क्या SOL NCVAP के लिए भी ये लागू होगा या सिर्फ रेगुलर वालों के लिए होने वाला है। क्योंकि डिग्री के बिना फिर कॉलेज में पढ़ने का कोई बेनिफिट है नहीं, और पेड़ भी हमारे पर्यावरण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो फरमान आया है कि नो ट्री नो डिग्री आखिर है क्या, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, ऐसा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो इनके एक्टिंग वाइस चांसलर है PC जोशी जी, उन्होंने एक फरमान जारी किया है। उन्होंने ये कहा है, जैसा कि आप देख सकते हो, कि DU स्टूडेंट्स लेंगे ग्रीन डिग्री, हर छात्र को पेड़ लगाना जरूरी। अगर आपको डिग्री चाहिए तो आपको एक पेड़ ज़रूर लगाना पड़ेगा। अब ये पूरी खबर है क्या, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अब सभी स्टूडेंट, देखिए सभी बोला है, यानी इसमें SOL वाले भी रहेंगे, NCVAP वाले भी रहेंगे और रेगुलर वाले भी रहेंगे। यूनिवर्सिटी में अब सभी स्टूडेंट्स को एक एक पेड़ लगाना ज़रूरी होगा। DU अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, MPhil, PhD सभी स्टूडेंट के लिए यह नए एकेडमिक सेशन से जरूरी कर रही है। यानी कि जो नया एकेडमिक सेशन स्टार्ट होने वाला है, हर स्टूडेंट को एक पेड़ लगाना होगा। अब आपके मन में यही बात आ रही होगी कि ये पेड़ हमें लगाना क्या, क्या हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है, और अगर हम पेड़ लगाएंगे तो किस तरीके से पता चलेगा कि उनको कि हमने पेड़ लगाया है। देखिए, फिर तो ये पूरी खबर मैं आपको बता देता हूँ कि भारत में पेड़ों की संख्या बढ़ाई जा सके और पर्यावरण बचाया जा सके, इसलिए DU के एक्टिंग वाइस चांसलर प्रोफेसर PC जोशी ने शनिवार को ये ऐलान करते हुए कहा कि अभी PhD स्टूडेंट के लिए ये ज़रूरी किया जा रहा है। यानी अभी सिर्फ PhD वालों के लिए ये ज़रूरी किया जा रहा है कि एडमिशन के वक्त लगाए गए पेड़ की प्रगति देने के बाद ही उन्हें PhD डिग्री दी जाएगी। देखिए, इन्होंने साफ साफ बोला है कि आपको PhD की डिग्री तभी मिलेगी जब आप पेड़ लगा देंगे और उसकी प्रगति उन्हें देंगे। धीरे धीरे हम UG और PG, UG यानी अंडर ग्रेजुएट BA प्रोग्राम और BCom, और PG यानी MA और MCom के लिए भी डिग्री लेने के लिए यह शर्त रखेंगे। देखिए, डिग्री आपको तभी मिलेगी जब आप पेड़ लगाकर उनको दिखाएंगे, इन्होंने साफ साफ बोल रखा है। पर अभी सब PhD वालों के लिए लागू होने वाला है। पेड़ों की जियो टैगिंग से निगरानी होगी, यानी आपको एक टैग दिया जाएगा, वो आपको अपने पेड़ पे लगाना है, और इससे आपको पल पल की अपडेट वहाँ तक पहुँचेगी कि पेड़ आपका किस कैसे बढ़ रहा है, क्या है। DU यह पहल शुरू करने वाली भारत की पहली यूनिवर्सिटी बन रहा है। यानी ये मान के चलिए, ये जो काम है, ये जो फरमान है, किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं है। पर ये जो इन्होंने निकाला है कि पेड़ नहीं तो डिग्री नहीं, यानी पेड़ लगाओगे तो ही आपको PhD और अंडर ग्रेजुएट BA प्रोग्राम या BCom की डिग्री मिलेगी या ऑनर की मिलेगी। साफ सीधी बात इनका कहना है, चाहिए PhD की डिग्री तो पेड़ की प्रोग्रेस रिपोर्ट करनी होगी जमा। यानी कि आपको पेड़ पे निगरानी रखनी है, ये रिपोर्ट बनानी है कि पेड़ को हमने कब कब पानी दिया, क्या क्या कर रहे हैं, कब हमने फर्टिलाइज किया। अब देखिए, पेड़ लगाने कहाँ है, देखिए पेड़ की तो उन्होंने कह दी, अब पेड़ लगाने कहाँ है वो भी मैं आपको बताता हूँ। DU के PC प्रोफेसर जोशी ने कहा कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो तो सबको पता है, और दुनिया भर में कई देशों में पेड़ों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। कनाडा में हर शख्स पर 10,163 पेड़ है, तो अमरीका में 699, मगर भारत में एक शख्स पर सिर्फ 28 पेड़ है। कितनी शर्म की बात है, क्योंकि जिस तरीके से भारत के अंदर मेट्रो का निर्माण हो रहा है, मकान बनाए जा रहे हैं, तो पेड़ कहाँ बचेंगे। उन्होंने कहा, इसी स्थिति को सुधारने की कोशिश हम कर रहे हैं। UG PG
यूजी अंडर ग्रेजुएट बीए बीकॉम पीजी एमएमकॉम और एमफिल और पीएचडी के स्टूडेंट के लिए पेड़ लगाना अनिवार्य होगा। देखिए अनिवार्य यानी जरूरी, एसओएल एनसीपी और रेगुलर तीनों कॉलेजेस के लिए जरूरी होगा। यह मुहिम डीयू के सेंटर फॉर हिमालयन स्टडीज़ के तहत चलेगी। अभी हम पेड़ ना लगाने वाले यूजी पीजी स्टूडेंट के लिए डिग्री लेने के लिए पेड़ की प्रगति की रिपोर्ट दिखाने की बाध्यता नहीं कर रहे, यानी अभी आपको डिग्री मिल जाएगी, अभी कोई आपको रिपोर्ट नहीं देनी है। मगर पीएचडी स्टूडेंट के लिए यह इसी सेशन में लागू किया जा रही है, यानी कि इसी सेशन में अगर आपको डिग्री चाहिए तो आपको पेड़ लगाना पड़ेगा। पेड़ों की जियो टैगिंग होगी और इसकी रिपोर्ट पूरे कोर्स के लिए दौरान स्टूडेंट को अपने सुपरवाइज़र टीचर को देनी होगी। प्रोफेसर जोशी ने कहा, हम मंत्रालय में पेड़ लगाने के लिए क्रेडिट देने का प्रावधान का प्रस्ताव रखेंगे, किसी भी कोने में लगा सकते हैं पेड़। यानी ये नहीं है कि आपको सुबह सुबह उठ के दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है या साउथ कैंपस जाना है या केशवपुरम जाना है, तो आप मतलब आप भारत के किसी भी कोने में हैं, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं तो आप कोने में कहीं से भी पेड़ लगा सकते हो। आपको एक जियो टैगिंग दी जाएगी, उस टैग को आपको लगाना है। प्रोफेसर जोशी ने कहा, स्टूडेंट्स पेड़ देश के किसी भी इलाके में लगा सकते हैं, अपने गांव, शहर, कस्बे, कहीं भी। डीयू में देश भर के स्टूडेंट्स हैं, इससे अनेक इलाके की लोकल प्रजाति भी पनपेगी। पेड़ की प्रोग्रेस का मूल्यांकन टीचर्स पूरे कोर्स के दौरान करते रहेंगे, यानी इस साल जो भी एडमिशन लेगा पीएचडी में तो इस साल से लास्ट तक आपको पूरी पेड़ की रिपोर्ट उनको देनी पड़ेगी। बहुत अजीब अब बिग न्यूज है, पर जो ज़रूरी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, अगर आपको डिग्री चाहिए। और मुझे लगता है अभी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी इसी साल ये लागू कर देंगे, तो एसओएल के बच्चे ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि रेगुलर वालों के लिए उनके रेगुलर सर है पर एसओएल वालों के लिए उनका कोई सर नहीं है। तो कहीं ना कहीं कॉलेज अपडेट्स कोशिश कर रहा है उनको अपडेट देने की। यह एक तरह से स्टूडेंट के कोर्स का हिस्सा होगा, यानी एक मान के चलिए कि पेड़ आपका एक सब्जेक्ट है, ठीक है। उन्होंने कहा, अपने स्टूडेंट्स को हम जलवायु योद्धा का नाम देंगे, यानी सोल के, रेगुलर के और एनसीबीएफ के बच्चों के पास अब एक टैग है, एक नाम है, अब वो जलवायु योद्धा कहे जाएंगे। हालांकि अगर किसी का पेड़ किसी वजह से पनप नहीं पाता, यानी अगर आपका पेड़ किसी भी वजह से पनप नहीं पाता या उसकी प्रोग्रेस रुक जाती है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये कहा है कि इसके लिए हम दूसरा रास्ता खोजेंगे ताकि आपका सेशन बर्बाद ना हो। और दिल्ली यूनिवर्सिटी को चाहिए पर्यावरण वॉलेंटियर्स जो पृथ्वी की रक्षा करें, और इसीलिए आप है जलवायु योद्धा। तो सारी न्यूज आपको समझ में आ गई होगी, बाकी सोल और एनसीबीएफ के लिए जैसे ये लागू होगा मैं आपको बता दूंगा। और बाकी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज है कि अब पेड़ लगाना अनिवार्य दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कर दिया है हर एक स्टूडेंट के लिए, भी पीएचडी वाले हर एक स्टूडेंट के लिए अनिवार्य है। अगर आपको डिग्री चाहिए तो आपको पेड़ की रिपोर्ट उनको देनी होगी, साफ सीधी बात है। और पीजी और यूजी के लिए जल्दी ये नियम लागू हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी काफ़ी अजीब फरमान है और ये जो आर्टिकल है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है, आप पढ़ लेना। बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से ये कन्फर्म है कि डिग्री लेनी है तो पेड़ लगा के दिखाइए। तो आज के लिए बस इतना ही, और कोई अपडेट होगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ये बहुत बड़ी अपडेट थी क्योंकि पेड़ हमारे लिए ज़रूरी है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की ये जो मुहिम है देखने वाली बात होगी कितनी अच्छी जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।